तो हम वृश्चिक लगन के लिए शनि की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर शनि वृश्चिक लगन में फोर्थ हाउस में स्थित हो तो शनि की महादशा के आने पर आप किस प्रकार के रिजल्ट भोगेंगे। देखिए फोर्थ हाउस शनि का खुद का हाउस है और कुंभ राशि है। इसके साथ साथ अगर आपका वृश्चिक लगन है तो तीसरे भाव को भी रिप्रेजेंट करते हैं आपके चार्ट में शनि। अब शनि जिस भी भाव में होगा उस भाव के प्रति आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियस करेगा, बहुत ज़्यादा अनुशासित करेगा और उस पर्टिकुलर हाउस के कार्यों को करने के लिए आप अपना एफर्ट भी सबसे ज़्यादा लगाएंगे। अब क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी भी शनि हैं तो इस केस में इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि जब भी आपकी शनि की महादशा आएगी आप अपना घर संपत्ति वगैरह ये सब पर ज़्यादा फोकस करेंगे और अपनी जो डोमेस्टिक हैप्पीनेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। ऐसा शनि आपको वास्तव में कुछ हद तक ऐसी समस्याओं की तरफ भी लेकर जाएगा जहां आप लिटिगेशन का शिकार होंगे, आपके अगेंस्ट कुछ लोग हो सकते हैं, आपको आपके वर्क प्लेस पर कुछ शत्रु परेशान कर सकते हैं या घर में किसी न किसी बात को लेकर थोड़ा बहुत आपस में मनमुटाव या विवाद भी हो सकता है। अब तीसरे भाव का स्वामी होने के साथ साथ शनि आपके करियर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। फोर्थ हाउस का शनि है तो अपनी महादशा के दौरान आपकी मदर के साथ आपका काफ़ी खास रिलेशन रहेगा। ऐसे में आपको अपने घर से दूर जाना, घर से दूर सेटल होना भी हो सकता है। अब ऐसा शनि जो है वास्तव में अब आपके एफर्ट की कीमत को बताएगा, आप कितना ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं, कितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा हाउस भी शनि का खुद का हाउस है। ऐसे में आप जितना अधिक प्रयास करेंगे अपने घर परिवार के लिए, किसी भी काम के लिए, तो आप उतना ही ज़्यादा सफल भी होंगे। फोर्थ हाउस का शनि है तो वास्तव में आप अपनी जो परंपराएं हैं परिवार की, घर की, उनको बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। अपने जीवन में हमेशा अनुशासन को फॉलो करेंगे। शनि दशा के दौरान आप ये चाहेंगे कि आपका लगभग हर काम जैसे आप चाहते हैं वैसे ही पूरा हो, भले ही उसके लिए कितना भी प्रयास आपको करना पड़े। अब ये शनि थोड़ा आपकी मेंटल पीस को कभी कभी डिस्टर्ब कर सकता है। इसके साथ ही अगर शनि के साथ कोई भी अन्य ग्रह बैठा हो तो आपको उसको देखना बहुत ही जरूरी है। अगर शनि के साथ कोई क्रूर ग्रह बैठा है तो निश्चित रूप से ऐसा शनि आपको मानसिक रूप से डिस्टर्ब करने का भी काम करेगा। फोर्थ हाउस का शनि है तो आपकी एजुकेशन को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी परवरिश को भी थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है कभी कभी। यहाँ शनि अगर वक्री स्थिति में हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगर अस्त हो तो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन शनि अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वक्री या अस्त नहीं है, तो आपको कभी कभी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत देरी हो सकती है सेट होते हुए। तो कैरियर को आप देखेंगे कि कैरियर में बहुत लेट सक्सेस मिली हो या आपने बहुत ज़्यादा धैर्य रखा हो, क्योंकि वास्तव में ऐसा जो शनि है आपको आपकी पूरी परीक्षा लेता है और धैर्यवान ज़्यादा से ज़्यादा बनाता है। इसके साथ साथ अब आपकी फैमिली, आपकी जो डोमेस्टिक हैप्पीनेस जो आपको मिली है अपने परिवार की तरफ से या परिवार की तरफ से जो आपको केयर मिली है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। आप जीवन में कुछ भी अचीव करेंगे, कुछ भी हासिल करेंगे तो उसमें आपकी इन सब की जो प्रधानता है वो बढ़ जाएगी या इनका जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाएगा। ऐसे में आपको अपने माता पिता का कितना साथ मिला है, कितना आपको सपोर्ट मिला है, आपको जब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो कैसा माहौल मिला है घर में, इन सब का प्रभाव आपके करियर पर निश्चित रूप से ही पड़ने वाला है। अब फोर्थ हाउस का शनि है तो फोर्थ हाउस के लिए काफ़ी सीरियस बनाएगा आपको शनि। तो ऐसी कंडीशन में आप पर्टिकुलर एक टारगेट डिसाइड करके उसको फॉलो करने की कोशिश हमेशा ही करते रहेंगे। अब आपका जो शनि है आपके चार्ट में आप देखिए कैसी स्थिति में है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो डिले कर सकता है, अदरवाइज़ आपके लिए शनि बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग या बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का मालिक बना सकता है और इसकी वजह से आपकी एक अलग पहचान भी लेकर आएगा शनि। अब शनि यहाँ है तो थोड़ा बहुत दुख हो सकता है घर परिवार को लेकर किसी भी प्रकार का, जैसे कि आपको थोड़ा घर परिवार का सुख देरी से मिला हो, अपना कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहते थे, कोई ऐसा काम करना चाहते थे घर के लिए जो कि आपका नहीं हुआ, लेकिन लेट एज में जाते जाते लगभग 30-35 की एज तक जाते जाते वो आपका काम ज़रूर बना और उसके लिए आपने काफ़ी एफर्ट करा होगा। अब शनि यहाँ, क्योंकि अगर हम शनि की दृष्टियों को देखें तो आपके सिक्स्थ हाउस को एस्पेक्ट करते हैं शनि। सिक्स्थ हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से इस बात की संभावना बहुत प्रबल है कि आपके जीवन में जो बाधाएं हैं, चाहे तो कैरियर को लेकर हों चाहे तो डोमेस्टिक हैप्पीनेस को लेकर हों, वो आए बिना नहीं रहेंगे। और अपने नीच के घर को शनि एस्पेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है आपको कुछ हद तक शत्रु परेशान करे हों शुरू में, घर परिवार का अच्छा साथ कभी कभी नहीं मिला हो, आपको खुद से ही बहुत कुछ करना पड़ा हो घर के लिए, या हो सकता है कि आपको शनि दशा से पहले ही आपके ऊपर कोई घर की बड़ी जिम्मेदारी आ गई हो। शनि सिक्स्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो अब आपका जो कैरियर है
उसमें आपकी डेली लाइफ का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो ऐसे में आप ये चाहेंगे कि आपका लगभग डेली रूटीन जो हो बहुत अच्छा हो, प्रॉपर हो और हर काम आपका समय पर पूरा हो। अगर आप ये कर लेते हैं, आप इसमें अनुशासित रहते हैं, तो कैरियर में भी आपके उतने ही ज़्यादा अनुशासित होने और कैरियर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। शनि यहाँ है तो वास्तव में अब आपको आपकी डोमेस्टिक लाइफ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने डेली रूटीन को बहुत अच्छा रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ फैमिली के जो सदस्य हैं या खुद के लिए भी आपको हेल्थ को लेकर भी उतना ही ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अगर शनि की ऐसी दशा आपको बहुत अर्ली एज में आ जाए तो आपकी कैरियर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी, क्योंकि आपके एजुकेशनल जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालेगी, और क्योंकि ये आपके शुरुआती जो सीखने की प्रक्रिया है उसको काफ़ी ज़्यादा स्लो कर देगा कभी कभी। तो हो सकता है कि शुरुआत में अगर ये दशा आपको आ रही है, जैसे कि 10 से 15 साल की आयु तक ये दशा आपकी स्टार्ट हो जाती है, तो आपको जो एजुकेशन है, एजुकेशन ग्रहण करने में बहुत समय लग सकता है, बीच बीच में आपको काफ़ी ब्रेक का सामना करना पड़ सकता है, चाहे पारिवारिक कोई ऐसा काम रहा हो, कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई हो कि जिसकी वजह से आपको एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए, परिवार का साथ नहीं मिला हो, या कोई भी अन्य समस्या भी हो सकती है। इसके साथ साथ ऐसा शनि लेट एज में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकेगा आपको, तो अगर ऐसी दशा आपको लेट एज में आ रही है तो ज़्यादा फेवर करेगा शनि। इसलिए अगर आपके ऊपर कोई भी कर्ज है, कोई भी आपका शत्रु है, कोई भी विवाद में आप फंसे हुए हैं, तो इन सब मामलों में शनि आपका बाद में हेल्प कर सकेगा आपको। लेकिन शुरुआत में हो सकता है कि आपको ये सारी की सारी समस्याएं आएँ शनि दशा के दौरान। अब आपके चार्ट में मंगल कैसी स्थिति में है, मंगल अगर बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो कितने भी प्रकार की बाधाएँ, कितने भी समस्याएँ आपके जीवन में आएँ, भले आप उनको आसानी से दूर कर लेंगे, लेकिन आपको मानसिक रूप से उनमें बहुत एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद शनि आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आपका सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में है तो ऐसा शनि वास्तव में कैरियर में बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। अगर आपका 10th लॉर्ड अच्छी स्थिति में नहीं है तो कैरियर में थोड़ा स्ट्रगल शुरुआत में ज़रूर ही करना पड़ सकता है, और आप कभी भी अपने आप को सेटल महसूस नहीं करेंगे कैरियर में, ये एक बड़ी बाधा आपके लिए हो सकती है। इसके साथ साथ आपके परिवार का रोल, आपकी मदर का रोल स्पेशली आपके कैरियर में बहुत बड़ा रह सकता है। फिर आपके 10th हाउस को क्योंकि एस्पेक्ट कर रहे हैं शनि, इस वजह से आपको हो सकता है कि आपकी जितनी क्वालिफिकेशन है, जितना आप काम कर सकते हैं, उतना आपको काम नहीं मिला हो, आपको लो लेवल का काम मिला हो, सैलरी आपको कम मिल रही हो, आपका पैसा अटक रहा हो, सैलरी समय पर नहीं मिल रही हो, या समय पर आप ऑफिस आ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आपको वो रेस्पेक्ट नहीं मिल रही जो वास्तव में मिलने चाहिए, तो यहाँ ये एक थोड़ी सी समस्या आपको कैरियर में ज़रूर बनी रहेगी कभी कभी। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लगन को शनि एस्पेक्ट कर रहे होते हैं, और लगन है मंगल का खुद का ही। अब देखिए, लगन को जब भी इस प्रकार से शनि एस्पेक्ट करेंगे तो वास्तव में वो आपको 4th हाउस के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस और अनुशासित बनाने का तो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपकी हेल्थ पर एक मेजर इम्पेक्ट डालेंगे। ऐसी कंडीशन में आपको 4th हाउस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका डोमेस्टिक लाइफ जितना अच्छा होगा, जितना अच्छे से आपकी परवरिश होगी, जितना अच्छा आपको माहौल मिलेगा घर परिवार में, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रगति होने के भी चांसेस बनेंगे, और उतना ही ज़्यादा परिपक्वता आपके अंदर समय से पहले आ जाएगी। तो ऐसा शनि लगन को जब भी देख रहा है थोड़ा सा आलसी बना सकता है, थोड़ा सा हेल्थ को लेके कमज़ोर बना सकता है कभी कभी, लेकिन ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मेजर हेल्थ इशू हो जाएगा आपको। बट हो सकता है कि आप कभी टाल मटोल करने लगे, काम समय पर ना करें, कभी बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशंस का शिकार हों जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, या आप एनर्जी का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे शनि को आपको देखना पड़ेगा। अगर ऐसी दशा आपको 30-35 की एज में आ रही हो तो ये शनि की दशा आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपके करियर में। ऐसी दशा अगर आपको लगभग आपकी 50 की एज के आसपास आ रही हो या 40 की एज के बाद आ रही हो, तो कुछ ना कुछ आप ऐसा काम अवश्य करेंगे जिसमें आप कोई ऐसी चीज़ों को घर में कर रहे हैं, अपने परिवार में ऐसे कार्यों को कर रहे हैं जहाँ पर आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, या कोई मंत्र जाप वगैरह, कोई साधना वगैरह कर रहे हैं, यानी जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी आपकी शनि बहुत ज़्यादा रुचि रखेगा। अब जो शनि है वो क्योंकि लगन को देख रहा है, लगन को देखने की वजह से थोड़ा आपको आध्यात्मिक जीवन की तरफ शनि आकर्षित करता है, तो ये सारे रिजल्ट रह सकते हैं 4th हाउस में शनि हो और शनि की महादशा आपको आ रही हो तब।